हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। यूनिक सूर्यास ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आपको एक नए जगह पर ले चलते हैं। अरे 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 रुकिए, थोड़ा सबर कीजिए, इतना जल्दी भी क्या है आपको, थोड़ा रुकिए। हाँ आप पार होइए। तो ये है हमारा मिशन चारे ट्रैफिक पॉइंट, जो राइट साइड में क्या है क्या है क्या है, डोमिनोज पिज्जा, जैसे कि आप सब जानते हैं। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, सुषमा मार्केट, जो सबसे पुराना और सबसे लजीजदार खानों के लिए बहुत फेमस है। और हम लोग अभी जाएंगे सीधा 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 कहाँ पर, SSB से सीधा होकर गोगरा टी जाएंगे। गोगरा टी यानी कि अत्यम और तेजपुर का सबसे बढ़िया जगह, चाय पत्ती का बगान, जो हरे भरे चाय का पत्ती का बगान है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये है बी एम हॉस्पिटल, जो अपने कामों के लिए फेमस है। और यहाँ पर अरुणाचल से लोग, अरे अरे ये देखो देखो कितना स्पीड जा रहा है, लगता है लड़का को, इन लोगों को बहुत परेशानी है यार, 40 लगा हुआ है, इतना स्पीड भाग रहा है। मम्मी पापा ने इसे कॉलेज भेजा पढ़ने के लिए, बेचारा दोबारा घर जा रहा है। खैर छोड़िए, वो लोग कहीं भी जाए कुछ भी करे, मेरा क्या जाता है कि नहीं। मेरा वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ नया वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको आगे चल कर पसंद आए। एंड हियर वी आर एंटर द गोगरा टी, तेजपुर की सबसे खूबसूरत चाय पत्ती की बगान। अगर आप लोग कभी तेजपुर आए तो ये चाय पत्ती की बगान जरूर घूमें। और ये रहा हमारा हरे हरे चाय के बगा। अरे चल गोरी ले जा के मुर्गा, मुर्गा में हरे हरे चाय के बगा, अरे चल गोरी ले जा के मुर्गा। खैर मेरे को गाना याद नहीं है, मेरे कुछ भी कह दिया, आप लोग माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये हरे वगैरह बगान हमें बहुत पसंद है। और ये लोग लेबर है जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह, जो भी खाद वाद या जो भी हो, मेडिसिन वगैरह जो चाय पत्ती पे डालते हैं, वो इन लोग थे जो अपना अपना काम करके अपने अपने घर के लौट रहे हैं। और ये लोग अब तक, और इसे फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, फैक्ट्रियों में ले जाने के बाद उससे चाय पत्ती बनती है, उन पत्तों से, जो कि मशीन में इसको, मतलब पता नहीं, प्रोसेस तो मैंने देखा एक बार लेकिन खैर अच्छे से याद नहीं, लेकिन उस पत्ते को गर्म किया जाता है, उस पत्ते को सुखाया जाता है, फिर उसको मशीन में डालकर उसके बाद वहाँ से चाय पत्ते निकलते हैं। और ये थी हमारी खूबसूरत जगह। और ये बागान में, ये बागानिया लोग हैं, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं आदिवासी, तो इन लोग का थोड़ा लैंग्वेज अलग टाइप का होता है। और ये लोग, ये देखिए छोटे से बच्चा है जो अपना हाथ में गुलेल, या हमारे भाषा में गुलटी बोलते हैं इसको। खैर हमें चिड़ियाओं को नहीं मानना चाहिए, लेकिन इनका जो अपना काम है वो अपना कर रहे हैं, चलिए उसके लिए खैर कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। और ये रहा हमारा सुखई MKI मिसाइल, जिससे हम चाइना को उड़ाएंगे। और ये लोग अब तक, शाम हो गई है और अब तक अपना काम कर ही रहे हैं। तो यही है हमारी खूबसूरती, मतलब आसाम की खान पान और शान, और इससे हरा भरा जगह पता नहीं और कहीं नहीं रहती, लेकिन मुझे लोग शाम हो गए और अपना अपना घर की तरफ लौटते हुए अपना अपना काम कर लिए, अपना अपना जो भी पत्ते तोड़ लिए, अपने घर को लौट जाते हैं। तो ये है हमारा तेजपुर, यानी कि असम की सबसे खूबसूरत जगह, द इटर्नल ब्यूटी ऑफ असम, तेजपुर को कहा जाता है। और ये हमारा चाय पत्ती की बागान है, जो कितना खूबसूरत है, मतलब हरा भरा, आई डोंट थिंक कि यहाँ जितना हरा भरा है वहाँ ऐसा कहीं और भी होगा। जैसा कि मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर घूमना घूमना, लोगों के साथ झूल मिल के रहना। और यहाँ पर, और इसी तरह ये लोग हर रोज़ इसी तरह सुबह से शाम तक अपने कामों में लगे रहते हैं, और हम लोग इस तरह कभी कभार यहाँ पर घूमने आते हैं, तो ऐसा ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लोग चाय पत्ती की खेती यानी कि उनमें मदद करते हैं और अपना अपना काम पर ध्यान देते हैं। तो ये लोग शाम हो गए और अपना अपना घर कर घर की तरफ जाते हुए, और हम लोग भी सोच रहे हैं थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे, शाम होने वाली है बस। तो ये नज़ारा देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा, और तो अब यहाँ से घर की तरफ निकल चुके हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे का नया वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।